हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। अभी आपको पता होगा कि एक दो दिनों से दोस्तों मार्केट बहुत ज़्यादा गिर रहा है यहाँ, और उसके वजह से ही कोटक महिंद्रा बैंक भी गिर रहा है। लेकिन दोस्तों, अब अगर कोटक महिंद्रा बैंक में थोड़ी भी उछाल आती है तो ये बैंक निफ्टी को भी सपोर्ट देगा और खुद भी दोस्तों ऊपर जाएगा। तो इसका प्राइस जो है ऊपर जाने वाला है, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ, अभी देख लो, क्योंकि स्टॉक बहुत ही ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। अब इसका प्राइस जो है धमाकेदार स्पीड के साथ ऊपर जाने वाला है। तो यहाँ पर अभी देख सकते हो दोस्तों, ये जो है डबल बॉटम बना दिया स्टॉक, अब इसमें रुकावट नहीं आने वाली है। तो जिनको खरीदना है वो दम भर के खरीदे, आगे पीछे ना देखें, खरीदे और भूल जाए। यहाँ पर देखो दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक ने यहाँ पर देखो हाईएस्ट मारा था, कितना 1700 के आसपास जाने ही वाला था, उसके बाद से फिर एक लोअर बॉटम बना दिया 1500 के आसपास, 1518 के आसपास। वो क्या बनाया, लोअर बॉटम क्या बनाया, डबल बॉटम बना दिया यहाँ पर। तो अब ये जो दोस्तों बाउंस बैक ले रहा है, ये बाउंस बैंक में हमें ले लेना चाहिए, नहीं तो फिर ये हाथ हमारे नहीं आने वाला। अगर ये बैंक, अगर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाती है, बैंक निफ्टी ऊपर जाता है, तो दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक तो अच्छा से अच्छा परफॉर्म करके दिखाएगा। क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो, अगर 5 साल का चार्ट देखते हैं तो बैंक कई बार गिरा, यहां पर देख लो थोड़ा सा गिरा, ठीक है, फिर यहां पर देख लो इतना बड़ा गिरावट हुआ, फिर यहां गिरावट हुआ। तो ये जो गिरावट है ना, ये सीजनल गिरावट है, इससे कुछ नहीं होने वाला। कोटक महिंद्रा बैंक जैसे अगर आपने खरीदा है तो आप कितने दिन भी रखो दोस्तों, आपको प्रॉफिट ही मिलेगा और कुछ भी नहीं होगा। यहां पर देख सकते तो 2016 में अगर आपने खरीदा होता 600 के आसपास, तो आज ये स्टॉक का प्राइस कितना चल रहा है, यहाँ पर देख सकते हो 1600-1700 के आसपास चल रहा। तो आपका जो है पैसा बहुत अच्छा 2 से 3 गुना हो जाता आराम से। तो मैं चार्ट के माध्यम से ये समझाना चाहता हूँ, जिन्होंने पहले खरीद रखा है और शेयर में गिरावट हो रही है, मैं उनको बोलूंगा मत बेचो, ठीक है। अभी आप जो ये स्टॉक को देख रहे हो, डायरेक्ट जो है ये बुलिश ट्रेंड में है, अपर ट्रेंड में है, ये स्टॉक को कुछ नहीं होने वाला। मार्केट आप देख रहे हो 150 पॉइंट 200 पॉइंट डेली जो गिर जा रहा है, उस वजह से भी स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट आ रहा है। इसीलिए ये जो स्टॉक है यहाँ से गिर चुका है 1710, यहाँ देखिए 1710 गया था, उसके बाद से यहाँ पर देख लो कितना चला गया था 1580 के आसपास। तो ये देखिए थोड़ा बहुत रिकवरी लेना स्टार्ट कर दिया है। तो हमें ऐसे बैंक पे फोकस करना चाहिए। अगर आपने पहले से खरीद रखा है तो मैं तो बोलूँगा अच्छी बात है, बेचना है ही नहीं, आँख बंद कर लो, साइड हो जाओ, और दिक्कत की कोई बात नहीं है। मैंने चार्ट के माध्यम से आपको समझाया कि इसमें देखिए बुलिश ट्रेंड चल रहा है। और जहाँ रिटर्न की बात कर लेते हैं, 1 ईयर, मतलब 1 ईयर का मतलब क्या होता है दोस्तों, लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो दे दिया जा रहा है आपको, ठीक है, 3-4 क्वार्टर रिजल्ट आ जा रहे हैं उसके बाद, ठीक है। यहाँ पर देख लो 30% का रिटर्न है आपको, चलिए अच्छा रिटर्न है, बैंक से तो बहुत ही अच्छा रिटर्न यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद 1 मंथ में 2% नेगेटिव रिटर्न है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो थोड़ा सा ये गिरावट हुआ, और गिरावट होने के बाद देखो दोस्तों ये बाउंस बैक होने के लिए, अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो है ये इसको सपोर्ट दे रहा है ऊपर जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए, ठीक है। तो ये टाइम में हमें ऐसे स्टॉक पे फोकस कर लेना चाहिए। और बैंकों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, असेट क्वालिटी। असेट क्वालिटी अगर अच्छा नहीं है तो बैंक नहीं चल सकता। असेट क्या होता है दोस्तों, कैश, कैश कैसी बैंक का असेट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं दोस्तों, रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है और प्रॉफिट कितना जनरेट हो रहा है इनके पास, ठीक है। हम माध्यम से देखेंगे नहीं दोस्तों, उतना टाइम नहीं है, क्योंकि मार्केट जस्ट ओपन होने वाला है, मैं वीडियो अपलोड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, जब 2016 में क्या था, 28 था, ठीक है, लेकिन 2019 में कितना हो गया, 45 हो गया। मतलब रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ दोस्तों, बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ, ठीक है। देखो फाइनली किधर जा रहा है, अप ट्रेंड में ही तो जा रहा है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि यहाँ से बस ऐसे चला जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, आराम से धीरे धीरे जा रहा है, जाने दीजिए। उसके बाद प्रॉफिट कितना था, 3 था, 3 के बाद कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। कितना अच्छा ग्रोथ हो रहा है, डबल से भी ज्यादा हो रहा है। तो धीरे धीरे टाइम दीजिए, अच्छा प्रॉफिट करके देगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक करके इंक्रीज कीजिएगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं दोस्तों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मार्केट जो है ओपन होने वाला है, मैं वीडियो को अपलोड करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों तक पहुँच जाए।